तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कॉपर के जग में कितने घंटे पानी रखने के बाद पीने लायक होता है, कि जिसमें पानी के अंदर में कॉपर की जो अंश है वो आ जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे इस टीडीएस मीटर की मदद से। वैसे दोस्तों इसका जो प्राइस आप देख रहे हो, बट इसको मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ में बाय किया था अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो चेक करना कि अभी क्या प्राइस है। और दोस्तों साथ ही साथ एक टिप दूंगा आपको कि ये जो कॉपर का जग है, इतने इतने जो दाग लगे हैं, इसको साफ करने का तरीका, वैसे तो आपने इसको साफ करने के बहुत सारे तरीके आजमाए होंगे, फिर चाहे वो नींबू हो, अमचूर हो, पता नहीं क्या क्या, बट मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करके आप इसको चंद सेकंड में चमका दोगे, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब दोस्तों ये जो है जग है कॉपर का, ये विदाउट कोटिंग के साथ है। अगर आपने कॉपर का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो वो इस तरह के लेकर कोटिंग के साथ परचेस करना। इसमें पानी गिरने के बाद इस तरह के इसके अंदर में दाग वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, जैसा कि यहाँ इसमें आया है तो आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसमें नॉर्मल पानी भर के दिखाऊंगा कि उसका टीडीएस कितना है, उसके बाद इसको एक एक घंटे पे चेक करेंगे कि इसका जो टीडीएस रीडिंग है वो कितनी घट रही है या बढ़ रही है। फिलहाल अभी आप टाइमिंग देख सकते हो कि लगभग 10:15 बज रहे हैं, ठीक है, देखते रहना। दोस्तों अगर आपको ये टीडीएस मीटर अभी भी डील में मिल जाता है 100 रुपीज़ में, तो आपको ज़रूर से इसको परचेस करना चाहिए, और इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया है परचेस करना। तो यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले ये टैप का वाटर है जिसको मैंने फ्रेश अभी भरा है, उसके बाद ये रात भर का इस बोतल में पानी भरा हुआ है। दोनों का पहले टीडीएस चेक करते हैं कि कुछ फर्क है क्या। तो ये जो फ्रेश वाटर हमने लिया है, सिर्फ आपको सिंपली सा देखो कि मैंने कितना भरा है, पता नहीं अंधेरे में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मैंने सिर्फ इतना पानी भरा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो टीडीएस मीटर है इसको सिंपली इसमें कैप कवर कर देना है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये बना भी इसीलिए, इतनी दूर ये गैप है, तो बस इतना ही आपको सिर्फ वाटर भरना है, इसमें डाल देंगे, जो भी एक्सेस हो पानी वो निकल जाएगा बाहर। उसके बाद देन इसको ऑन करेंगे तो ये देख सकते हो, इसको मैंने ऑन किया, अब कुछ ही सेकंड में ये फ्लक्चुएट करना बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये 358, ये नॉर्मल वाटर जो गवर्नमेंट की पाइप से सप्लाई होती है ये वो है। वैसे क्या दोस्तों आपको पता है कि कितने टीडीएस का पानी हमारे पीने लायक का होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसको हम इन्हें यहाँ से निकाल लेना है, उसके बाद इसको इस तरह से कर देना है ताकि पानी जो एक्सेस है इसमें लगा वो निकल जाए। देन अब ये जो पानी बचा है इसको हम इसी में डाल देते हैं, देख सकते हो कितना थोड़ा पानी मैंने लिया। अब ये रात भर का पानी रखा हुआ है, इसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको इसमें डाल देंगे, ये देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि इस कॉपर के जग में पानी डालेंगे, तो सबसे पहले ये जो हमने टैप से पानी भरा था वो भी डाल देते हैं, देख सकते हो एकदम खाली है। उसके बाद जो हमने रात भर का पानी भरा था उसको भी हम डाल देते हैं, तो ये लगभग हमने डाल दिया, पूरा फिल नहीं किया है, और लगभग अब जो है 10:05 बाकी हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हो 10:05 बाकी हैं। वैसे इस वॉच की भी वीडियो बनाई है, आई बटन में ज़रूर देखना, मुझे उतनी पसंद नहीं आई, प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। अब इसको हम इस तरह से कवर अप कर देते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये जग और ये बॉटल है, परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 hour later तो लगभग दोस्तों ये देख सकते हो कि लगभग लगभग एक घंटे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चेक करते हैं इसका टीडीएस, तो ये है, इसको निकाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, ठीक है, ये भर लिया। अब दोस्तों इस टीडीएस मीटर को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना मे भी आप में से बताने की ज़रूरत नहीं, सबको आता ही होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ इस तरह से ऑन हो जाएगा, देन उसके बाद
इसको इसके अंदर में पुट कर देना है और 30 सेकेंड एटलीस्ट कम से कम वेट करते हैं, जो कि प्रॉपर मेजरमेंट आ जाएगा। फिलहाल इसको मैंने इस तरह से लगाया है तो मेजरमेंट आ गया है, तो देख सकते हो। तो ये जो रीडिंग अभी आप यहाँ शो कर रही है वो 353। अब इसको आप यहाँ पे होल्ड करके बटन दो है, इसको दबा दोगे तो यहीं पे रुक जाएगा और ये TDS निकाल लोगे मीटर, ठीक है, तो यहीं पे ये होल्ड रहेगा। तो लगभग एक घंटे बाद जो इसका TDS है वो 353 हो गया है। अब एक घंटे बाद फिर चेक करेंगे, फिर देखते हैं इसका क्या है TDS लेवल। तो अब एक घंटे के लिए इसको फिर से ढक के रख देते हैं, एक घंटे बाद फिर मिलेंगे। तो अभी आप जो ये 2 गैलन में पानी देख रहे हैं इसमें भरा हुआ है, इसमें भी ये एक बरसात का पानी मैंने भरा है और एक ये AC का पानी है जो आउटलेट से निकलता है। अभी मैं आपको इसका भी TDS चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस AC वाले का आपको TDS चेक कराते हैं, ठीक है, तभी आपको बेहतर अंदाजा लग जाएगा कि जो TDS मीटर है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा AC का पानी है और ये मेरा TDS मीटर है, इसको इसमें पुट करते हैं, यहीं होल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये जो AC का पानी है इसको होल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो AC के पानी का TDS है वो 31 है, इट्स अमेजिंग, है ना। अब चेक करते हैं बरसात के पानी का TDS, उससे पहले इसको इसमें डाल देते हैं। और ये पानी मैं यूज़ करता हूँ अपने इन्वर्टर में, उसमें डालने के लिए। अब दोस्तों ये देख सकते हो कि बरसात का पानी जो एकदम ऊपर लबालब भरा हुआ है, तो इसमें TDS मीटर में बाहर क्या निकाले पानी डायरेक्ट यहीं चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने होल्ड किया था, इसको क्लियर कर देता हूँ, अनहोल्ड, ठीक है। अब इसको इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं। तो लगभग दोस्तों यहाँ देख सकते हो ये जो बरसात के पानी का TDS है वो भी लगभग 31 है, इसका मतलब इन्वर्टर में इसको भी यूज कर सकते हैं। और TDS मीटर ठीक है वो भी आपको पता चल गया होगा। 2 hours later अब लगभग दोस्तों 2 घंटे हो गए हैं, ये देख सकते हो। तो दोस्तों ये देखो ये इस वॉच की प्रॉब्लम, इसके पहले जो कलर था ना ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट हो जाता है ये। बहरहाल तो लगभग अब 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है। अब इसका TDS चेक करते हैं, तो ये पानी लिया और अब TDS मीटर को ऑन करते हैं, ये ऑन करा और अब इसको इसमें पुट करते हैं। तो लगभग अब 2 घंटे हो गए हैं, तो अभी जो अभी ये TDS दिख रहा है वो लगभग 353। तो लगभग 2 घंटे बाद भी रिजल्ट वही है, तो अब इसको अब लगभग हम 2 घंटे बाद प्रॉपर चेक करेंगे, ठीक है। और अभी आप टाइमिंग देख ही सकते हो 12 बज रहे हैं, अब सीधे इसको 2 बजे चेक करेंगे, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। Meanwhile, तो दोस्तों अब लगभग ये देख सकते हो कि 2:05 हो चुके हैं, तो 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका TDS चेक करते हैं कि पानी के अंदर में कितना जो कॉपर का तत्व है वो आया है, ठीक है। आगे दोस्तों आप देख सकते हो कि वीडियो को बनाने में कितने घंटे का समय लगा और आप तो ये 5 से 10 मिनट में वीडियो पूरी देख लोगे, ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये TDS हमने ऑन कर दिया, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो अभी भी यहाँ देख सकते हो कि लगभग 353 ही अभी भी आ रहा है, तो आई थिंक लगभग 2-3 घंटे से ज़्यादा, तो लगभग 4 घंटे हो गए अब। तो अभी भी जो पानी का लेवल है कॉपर के अंदर में 353 है। देखो सबसे पहला तो जो मेरे घर पे पानी आया था उस पानी का जो TDS मैंने आपको शुरू में चेक कराया था वो भी लगभग इतना ही था। तो अब कॉपर का मिनरल्स इसके अंदर में आया कि नहीं आया, अब मिलते हैं 4 घंटे बाद मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। फाइनली दोस्तों अब देख सकते हो कि लगभग ये 6 बज गए हैं और इसमें पानी रखे हुए लगभग 8 घंटे हो गए। अब फाइनल स्टेज है, आप चेक करते हैं कि क्या वाकई में कॉपर का अंश पानी में आया और आने के बाद पानी का TDS लेवल कितना बढ़ा या घटा जो भी, ठीक है। तो अब इस TDS लेवल को डायरेक्ट इस पानी में ही डाल देते हैं। अभी फिलहाल यहाँ देख सकते हो 0 और अब हम इसको
इसमें डाल देते हैं। तो ये हमने इसको डाल दिया और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो 391, बाप रे ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो गया है। अब सोचो कि अगर कॉपर में रखा हुआ पानी लगभग 8 घंटे से ज़्यादा अगर हो जाता है तो आप पानी का लेवल देख सकते हो। जैसे कॉपर है, लोग पीते हैं, बट इससे ये पता चलता है 8 घंटे 7 घंटे जो आपने पानी इसमें रखा तो कॉपर का अंश जो है वो पानी में आ जाता है, तो बस उतना काफ़ी है। तो यहाँ देख सकते हो 391, हालांकि ये पानी पी सकते हैं, कॉपर का अंश है, बट ज़्यादा मात्रा में ये जाना भी शरीर में नुकसानदायक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे। और जैसा कि शुरुआत में मैंने जब अपना नॉर्मल टैप वाटर का दिखाया था TDS, तो वो 353 था, तो वो भी आज थोड़ा ज़्यादा था, हो सकता है पानी में कुछ रहा होगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो से अंदाज लग गया होगा कि कॉपर में कितनी देर पानी रख के पीना चाहिए। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूं इसको साफ करने के लिए कौन सी ट्रिक्स है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। अब मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये पसंद ना आए, बट ये है बहुत अच्छा। हालांकि जिस चीज़ का मैं यूज़ करूँगा उसको देखने के बाद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना समझ में आए या बुरा लगे, चलिए उसको दिखाते हैं। देखो आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक बूंद मैंने जमीन पे इसको गिराया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये जो पानी है इसको इसमें मिक्स कर देंगे और इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब आपको दिखाते हैं, तो एक सेकेंड, ये देखो थोड़ा इससे ब्रश पे रफ कर देना है, ब्रश से, तो देख सकते हो, ठीक है, फर्क आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम आउट करें तो आपको फर्क अच्छे से दिखेगा, ये देखो। ये चाहे आप सूखे कपड़े से कर सकते हो, पर सूखे कपड़े से नहीं करना है, हाथ में ये लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि क्या मैंने यूज किया। तो ये इतना ज्यादा चमक जाता है, ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे। अब मैं इसको सूखे कपड़े से यहां से पोंछ दूंगा, ये देखो, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, ठीक है, ये देखो। तो आप फर्क साफ तौर पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया, देख रहे हो, एक तरफ इधर की फिनिशिंग देखो, एक तरफ ये, ऐसा लग रहा है कि एकदम नए जैसा, ये सब छूट जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे साफ करने के लिए क्या यूज किया है। अब आपके सबके घर में होता है, बट वो होता दूसरे कामों के लिए है, जी हाँ। तो ये है, ब्रांड का मैं नहीं दिखाऊंगा, तो ये जो टॉयलेट क्लीनर, अगर आपके घर में नया टॉयलेट क्लीनर है तो उससे आप इसको साफ करो, यकीन मानो साफ करने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ देना या पानी से धो के पोंछ देना, इतना ज़्यादा क्लीन हो जाएगा कि आपको बिलीव नहीं होगा आपकी आंखों पर। तो इसका मैंने यूज़ किया, फिर चाहे आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, तो ये देख सकते हो फर्क। और लास्ट में अभी करके दिखा रहा हूँ, आफ्टर बिफोर आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो, ये पहले है, आफ्टर बिफोर भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो, अभी मैंने इतना ही साफ किया, उसके बाद मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, सिर्फ एक बूंद ही लेना है, एक दो बूंद बस, इतना सा, ठीक है। और दोस्तों इससे आप अपने घर में जो कढ़ाई वगैरह लोहे की है जिसमें जंग लग, मतलब बहुत ज़्यादा जम जाता है, जंग वगैरह लग जाती है, उससे आप अपने लोहे की कढ़ाई वगैरह भी साफ करोगे, बहुत अच्छा होगा सफाई। और फिर चाहे आप इसमें जरा सा पानी भी ऐड कर दो, ठीक है, ये हमने जरा सा पानी ऐड कर दिया। और अब इस ब्रश की मदद से मैं आपको साफ करके अभी दिखाता हूँ, तो कोई भी नुकसान नहीं, हार्म नहीं होगा, ठीक है। अब एक हाथ से पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। देख सकते हो मैंने इसको साफ कर दिया, इसको धो भी दिया है, तो आपको फर्क दिख जाएगा, आफ्टर बिफोर कंपेयर कर लेना।
और फिलहाल मैंने इसको बहुत जरा सा लिया था, ठीक है, और इसको धोने के बाद, पानी से धोने के बाद इसको पोंछ देना है। तो आप फाइनली देख सकते हो, हालांकि इस टॉयलेट क्लीनर का मैंने यूज़ किया है, अंदर के साइड में यूज़ मत करना, ठीक है, मैंने इसे बाहर बाहर से ही किया है, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, एकदम नए जैसा हो गया।